हरियाणा में विधानसभा चुनावों की घोषणा के बाद से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ सभी पार्टियों के नेता बड़े बड़े वादे और दावे करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर नाराज चल रहे कर्मचारियों को लेकर बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने संकेत दिया है कि यदि हरियाणा में बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो कर्मचारियों के हित में केंद्र की यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस स्कीम को लागू करेंगे। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में भी नई स्कीम को लागू करने का वादा करेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ओपीएस को प्रदेश में लागू करने का वादा कर रही है। इसी बीच केंद्र की यूपीएस पर आईएएस अशोक खेमका ने भी अपना समर्थन दिया है। मनोहर लाल खट्टर ने ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस को लेकर किया बड़ा दावा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस मैनिफेस्ट में भी नई स्कीम लागू करने का किया वादा। यूपीएस पर हरियाणा के सीनियर आईएएस अशोक खेमका ने भी दिया अपना समर्थन। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक बड़ा दावा किया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा इस दांव को चलने की खास वजह प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारी हैं। ये कर्मचारी ओपीएस को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं। इसके लिए कर्मचारियों के एक गुट ने ओपीएस संघर्ष मोर्चा भी बनाया हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को कर्मचारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ा था। खट्टर ने इस बड़े सरकारी कर्मचारी वर्ग को साधने के लिए यह दांव चला है। 40,000 कर्मचारी केंद्र में नौकरी कर रहे हैं। हरियाणा के 2.5 लाख कर्मचारियों में 40 लाख कर्मचारी केंद्र सरकार में काम कर रहे हैं। हालांकि ये हरियाणा के ही वोटर हैं। केंद्र की यूपीएस का केंद्रीय कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रदेश में चुनाव के दौरान यूपीएस के पक्ष में माहौल बनाने में पार्टी की अच्छी मदद कर सकते हैं। वहीं हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर अशोक खेमका ने केंद्र सरकार की ओर से घोषित यूपीएस योजना का समर्थन किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखी पोस्ट में खेमका ने कहा कि 2004 के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस योजना की घोषणा से बड़ी राहत मिली है। मुझे आशा है कि जल्द ही राज्यों द्वारा बिना देरी किए इसे लागू किया जाएगा। वहीं प्रदेश के कई अन्य आईएएस अफसरों ने भी यूपीएस को एनपीएस से बेहतर बताया है।